Good morning, students. Today is our module 5 of the same chapter, exponents, and we will do some revision. So be ready, pause your video, bring your book and practice register and start doing it. Now we will do exercise 2C of your book from page number 37. Question number 1. This is basically MCQs type questions. So we have to solve and tick mark. First question is 2 by 5 raised to the power negative 3. This will become 5 by 2 raised to the power 3. Reciprocal ho jayega, negative power hai wo, positive ho jayega. 5 into 5 into 5. 2 into 2 into 2. It's 125 upon 8. Kaun sa option hai ye? It is C option. Aur yahan pe har question mein aapko jab aap solve karenge to aapko law likhna hai. Jaise isme kaun sa law ho jayega? Har question mein aapko law likhna hai. मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगी, आप अपना सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव 3 रेज टू द पावर 4. सेम लॉ यूज होगा. दिस विल बिकम 1 बाय 3 विद नेगेटिव साइन रेज टू द पावर 4. नेगेटिव 1 is the answer, and this is which option number? D option. This is D. Now question number 3. The value of negative 2 raised to the power negative 5 we have to find out. This will become negative 1 by 2 and raised to the power 5. Negative 1 by 32. This is B option. Now question number 4. इसकी वैल्यू निकालनी है. अब इसका क्या मतलब है? 1 by 2 raised to the power 5 divided by 1 by 2 raised to the power 2. This will become, यहां देखिए, बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगे? सबट्रैक्ट. This is the answer. या इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं डायरेक्टली. वो कैसे? यहाँ पे बेसिस सेम थे, डायरेक्ट पावर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे. 2 रेज टू द पावर नेगेटिव 5 और यहाँ पे नेगेटिव, ये आ जाता 2 रेज टू द पावर नेगेटिव 5 प्लस 2. ये क्या बन जाता? 1 बाय 2 3. और इसका आंसर भी क्या आता? सेम 1 बाय 8. दिस इज विच ऑप्शन? दिस इज डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. तो किसी भी वे में आप कर सकते हो, ये चाहे वैसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. 3 raised to the power negative 1
प्लस 4 रेज टू द पावर नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर नेगेटिव 1। यहाँ बेटा होल ब्रैकेट में भी नेगेटिव 1 पावर है, तो अब सबसे पहले 3 रेज टू द पावर नेगेटिव 1 हो जाएगा 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 5। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, नेगेटिव 1 दिस विल बिकम 7 बाय 12 इसका मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल, और ये भी साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा और रेसिप्रोकल में बदल जाएगा 60 अपॉन 7। दिस इज द आंसर। विच ऑप्शन इज दिस? दिस इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अब हमें ये नंबर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं और उनकी पावर नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और विद पॉजिटिव पावर, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर क्या होगा, इज 4 प्लस 9 प्लस 16 दिस विल बिकम 29। विच ऑप्शन इज दिस? क्वेश्चन नंबर 6 दिस इज सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आप वीडियो को बीच में पॉज करके नोट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करें, पॉज करें, फिर आंसर देखें और अपना आंसर को क्रॉस वेरीफाई करें, इस तरीके से रिवीजन करें। 3 के साइन को मल्टीप्लाई कर दें और इसका रेसिप्रोकल कर दें, दिस विल बिकम 19 बाय 64। तो विच ऑप्शन इज दिस? दिस इज ए ऑप्शन। तो यू कैन नोट इट डाउन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए बाय बी पावर्स जो है ऐसे ब्रैकेट हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, यहां पे क्या होगा, नेगेटिव 1 बाय 2 पावर मल्टीप्लाई। यस स्टूडेंट्स, इधर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 1 पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 इंटू 2 इज 4, तो आगे पावर नेगेटिव 1 बाय 2 पावर 4, तो दिस विल बिकम
विल बिकम, यहां आंसर लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है वहां, 1/16. दिस इज द आंसर. ऑप्शन कौन सा है ये? ए ऑप्शन. 1/16 इज द आंसर एंड ऑप्शन इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. This is an again important question. ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये बहुत important question है. यहाँ पे क्या है, basis क्या है, same है, basis same है तो powers क्या हो जाएंगे, multiply हो रहा है तो powers add हो जाएंगी. Law आपने सबने साथ साथ लिखने हैं. I am not mentioning but you have to mention. अब इक्वेलिटी में अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तभी इक्वेलिटी बैलेंस होगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 + 3x = 5. दिस विल बिकम 3x = 9 एंड x = 9/3. तो दिस इज द आंसर. 3 इज द आंसर. ऑप्शन है इसमें 9th क्वेश्चन में डी. दिस इज डी ऑप्शन. Now question number 10. Now question number 10. It is something different question. Here 2^3x - 1 + 10/7 = 6. अब कोई भी चीज हमें ऐसे क्वेश्चन कैसे सीखे थे कि सबका बेस जो है वही बना दो जो जिसकी पावर हमें निकालनी है. बट यहाँ तो 2 है, ये 2 के बेस में बन नहीं सकते, तो हम क्या करें. सो लेट अस सी, इसको एज इट इज रहने देते हैं. अब ये डिवाइडेड बाय 7 है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ That comes out to be 32 जो है हमारे 2 के बेस में कन्वर्ट हो सकता है. कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो 32 पार 5. अब यहाँ पे हमारे बेसिस सेम आ गए. अब इक्वेलिटी में बेसिस अगर सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. ये दोनों इक्वल. दिस इज विच नंबर ऑप्शन. दिस इज ऑप्शन नंबर डी. Answer 2. Now question number 11. ये तो बहुत सिंपल है, अगर पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 12. ये बताना है आपको, तो ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. दिस इज द आंसर. कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13. -1/2 × 3. इसको आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है.
दिस इज डी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इसकी वैल्यू निकालनी है. सिंपल है, बहुत इजी है. बाय 16 तो बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15, 3670000. इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब सबसे एंड में है, तो कहाँ लेके आएंगे? 1, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस. 3.67 × 10⁶. कौन सा ऑप्शन है ये? सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16, 0.00004 6 3. अब इसमें यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? एक प्लेस के बाद राइट हैंड साइड. कैसे जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ जाएगा 4.63 × 10⁵, क्योंकि राइट हैंड साइड पे गए हैं तो -5. तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17. अब इसमें इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो 0.00036 7 × 10,000. चार प्लेसेस ये डेसिमल राइट हैंड साइड पे जाएगा. किधर जाएगा? 1, 2, 3, 4. तो ये आ जाएगा 3.6 है. तो ये हो गई, कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2C. यू हैव टू डू योर रिवीजन साइड बाय साइड. थैंक यू.